हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर किया गया है। इस वीडियो में जो आगामी परीक्षा जैसे CCC, SSC, रेलवे और UPSSC की परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए इन प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है? तो ये फॉर्मेटिंग बार में होता है, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। एमएस एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो मैक्रो ऑप्शन जो होता है टूल बॉक्स में, टूल मेन्यू में होता है। एमएस एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो डेट इंसर्ट कराने के लिए टूडे फंक्शन का यूज किया जाता है, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेटर के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपको MOD मोड ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है, इस फंक्शन का इसमें यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो जो एमएस एक्सेल में जो फिल मेन्यू होता है वह एडिट मेन्यू में होता है, फिल ऑप्शन जो एडिट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह होता है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा टाइप नहीं होता है? तो एमएस एक्सेल में जो लेबल डाटा टाइप नहीं होता है, लेबल जो विजुअल बेसिक में होता है। एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो एक्सेल में जो शॉर्ट मेन्यू होता है वे डाटा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एमएस एक्सेल का इंटरफेस है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें जो मेन्यू होता है एक होम होता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। तो जो डाटा मेन्यू होता है, डाटा मेन्यू में आपको ये सॉर्ट का मेन्यू जो ऑप्शन मिलता है। और दूसरी बात, जो एक एमएस एक्सेल होता है उसमें जो वर्कशीट होती है, तीन वर्कशीट डिफॉल्ट में होती है, जैसे 1, 2, 3, ये यहाँ तीन वर्कशीट हैं, आप एक वर्कबुक में तीन वर्कशीट रख सकते हैं। इनमें से कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं होता है? तो एमएस एक्सेल में जो ग्राफ चार्ट है ये एमएस एक्सेल में नहीं होता है। देखिए, ये इसमें इंसर्ट मेन्यू में जाकर के ग्राफ ये मिलते हैं आपको, चार्ट का ऑप्शन, तो इसमें ग्राफ कहीं नहीं मिलेगा। कॉलम है, लाइन है, पाई है, वार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर है, अदर चार्ट भी है इसमें, परंतु इसमें जो है अदर चार्ट में भी कहीं भी आपको जो है ग्राफ चार्ट नहीं मिलेगा, अर्थात ग्राफ चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं होता है। एमएस एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो एमएस एक्सेल में जो डाटा सीरीज का ऑप्शन नहीं होता है एमएस एक्सेल के चार्ट विजार्ड में। एमएस एक्सेल विंडोज पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट पृष्ठों का संग्रह है जिसे वर्कबुक कहते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो इसका जो एक्सटेंशन नेम है ये होगा XLX, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डाटा या सीरीज नेम कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है? तो ये जो आपको डाटा लेवल में मिलेगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर को कौन सा साइन दिखाता है? तो फॉर्मूला एरर को जो कौन सा साइन दिखाता है वो हैज, इसका ऑप्शन डी सही होगा। एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता है? तो एमएस एक्सेल में जो फ्रीज पैन है ये जो डाटा मेन्यू में नहीं होता है। फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है? तो फंक्शन सेमीकोलन होता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? तो इसे ऑटोफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में टूल मेन्यू में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? तो टूल मेन्यू में जो उपरोक्त ये तीनों ऑप्शन इसमें पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा डी। किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? तो ये फाइनेंशियल फंक्शन इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल को सेल एड्रेस होगा, तो किसी जो प्रथम सेल होगा उसका जो सेल एड्रेस होगा किसी वर्कशीट का वो होगा A1। किसी वर्कशीट में अंतिम सेल एड्रेस होता है, जो अंतिम सेल एड्रेस होता है किसी वर्कशीट में वो होता है आपका N 65536।
निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल लाइन नहीं है, कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो ग्राफिकल फाइल इनमें से कौन सी नहीं है, तो ग्राफिकल फाइल इसमें डॉट टीएक्सटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है, तो ग्राफिक कार्यों को करने के लिए मिनी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, यानी कि हम कभी भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हो इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार होता है, तो स्प्रेडशीट जो हमारी उपयुक्त सभी प्रकार की स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य कहाँ से होता है, तो ये जो कार्य होता है फॉर्मेट मेन्यू से होता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, इसे स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, तो निश्चित क्रम में डाटा को सॉर्ट करने के लिए एडिट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। किसी पंक्ति या कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं, तो इसे सेल कहते हैं, यानी कि किसी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे सेल बोलते हैं, किसी भी रो और कॉलम के। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, तो सबसे ऊपर इसमें टाइटल बार होती है, उसके बाद मेन्यू बार आती है। शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने सेक्टर रख सकते हैं, तो वर्कशीट की एक शीट में अधिकतम 256 सेक्टर हो सकते हैं। एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है, तो टूडे, ये मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू होता है, तो एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में जो कि संशोधन के लिए आती है वह क्या कहलाती है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिखाना है कि किस की के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं फाइल में, तो ये F1, F2, F3, F4 ये किसके माध्यम से कर सकते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये मेरा एजुकेशन चैनल है, मैंने लगातार इसमें निरंतर वीडियो बना रहा हूँ, तो जितने भी विद्यार्थी अभ्यर्थी आपके पास हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, CCC के एग्जाम के आने वाले हैं, लॉकडाउन के बाद जो भी एग्जाम होने हैं सभी में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने यहाँ CCC के नाम से एक पूरा प्लेलिस्ट बनाई है, तो मैं उस प्लेलिस्ट में लगातार निरंतर वीडियो ला रहा हूँ, तो ये इस प्लेलिस्ट में मैंने अब तक 14 वीडियो डाल दी हैं और मैं निरंतर वीडियो ला रहा हूँ, तो आप ये प्लेलिस्ट को देख लीजिए, तो आपके जितने भी एग्जाम हैं उसमें कंप्यूटर से इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसमें ट्रू फॉल्स भी लिए हैं CCC के, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन वाले जो वीडियो मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसी के साथ साथ में जो निरंतर करंट अफेयर हैं और जो जितनी भी जो नई रिक्रूटमेंट निकल रही है उनकी जानकारी और जितने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक इस समय चल रहे हैं उसके लिए भी मैं लगातार वीडियो ला रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ, फ्रेंड्स मैं जल्दी ही एक सीरीज लाने वाला हूँ भारतीय इतिहास की, अर्थात इंडियन हिस्ट्री के, वो एक मैं जल्दी ही सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको भारत पूरी जो मैं बहुत कम वीडियो में ही पूरी हिस्ट्री को कवर करने की प्रयास कर रहा हूँ, तो वो सीरीज मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आपके पास जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पढ़ाई में या किसी भी तरीके के एग्जाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हों इसकी आवश्यकता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।